हे गाइस, वेलकम टू कारवा की स्पीक्स टेक शो। गाइस, लास्ट वीक आपने देखा था कुछ इंटरेस्टिंग गार्डनिंग गैजेट्स, सो आज हम फिर आप सबके लिए कुछ और मजेदार गार्डनिंग टूल्स एंड गैजेट्स लेके आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन, ग्रीन नोट। दोस्तों, बचपन में आपने सुना होगा कि पौधे भी चीज़ों को फील कर सकते हैं, वो भी अच्छा बुरा समझ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कभी हमने प्रैक्टिकली फील नहीं किया। लेकिन अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली फील करना चाहते हो तो ये गैजेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि एक ऐसा गैजेट होता है जो प्लांट्स की सेंसेशंस को समझ सकता है। यानी कि जब आप प्लांट्स को टच करते हैं तो उनके अंदर क्या चलता है, ये सब कुछ वो समझेगा, और साथ ही आपको ये एक म्यूज़िक के रूप में सुनाएगा जिससे कि आप अच्छा फील कर सकते हो। बस आपको इस गैजेट को अपने प्लांट्स पे लगा देना होता है, और जैसे ही आपके पेड़ पौधे को कोई टच करता है तो फटाफट ये आपको एक हल्का सा म्यूजिक सुनाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं ये आप समझ पाओगे कि प्लांट्स के अंदर क्या सेंसेशंस चल रही है। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट, जो कि पौधों को फील करने में आपको मदद करेगा। नेक्स्ट है हाइड्रो बॉल विंड स्पिनर। दोस्तों, पौधों को पानी देना बड़े ही मज़े का काम होता है, लेकिन अगर आप इस काम को एकदम नए एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो ये गैजेट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ ब्लेड्स जैसे दिखने वाले अटैचमेंट्स लगे होते हैं जो कि हवा से अपने आप रोटेट होते हैं, और जब आप इसमें अपने पानी के पाइप को कनेक्ट करवा देते हैं तो ये पानी के फवारे पूरे ग्राउंड में चारों तरफ छिड़क देता है, जिससे कि पानी पूरे ग्राउंड में इवनली स्प्रेड होगा। तो कमाल का है ये गैजेट, जो कि वाटरिंग के लिए एकदम परफेक्ट सोल्यूशन रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ज़रूर चेक करना। नंबर थ्री, टेरा प्लांटर। दोस्तों, नॉर्मली तो हम लोग पौधों को गमले में उगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि गमले में ब्रीथिंग करने में पौधों को दिक्कत आती है, जिसकी वजह से वो कभी कभी सूख भी जाते हैं। तो इसके लिए खास तौर पे बनाया गया है ये गैजेट, जो एकदम नेचुरल मटेरियल से बना हुआ होता है, और इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे होल्स, जिससे कि आसानी से पेड़ पौधे सांस ले पाएंगे, और इसके बीच के हिस्से में आप मिट्टी और पानी डाल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कमाल की बात रहेगी, और पेड़ की सारी शाखाएँ आपको इसके बॉडी पर लिपटी हुई नज़र आएगी, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल इंडोर प्लांटिंग में करना चाहते हैं तो ये गैजेट आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सो ये थी आज की वीडियो, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।